हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, स्वागत है आपका दमिश्क के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है गुफ्तगु। और आज हम बात करने वाले हैं अशोका विश्वविद्यालय के एक छात्र से, जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी हाल के दौर में जिस प्रकार के छात्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट कर रहे हैं फीस वृद्धि को लेकर के, उस हालात में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का छात्र इन तमाम मामलों के बारे में क्या सोचता है। और भी बहुत सारे सवाल के जवाब जानना चाहेंगे कि वो विद्यालय के पॉलिटिक्स को लेकर के, विश्वविद्यालय में जो छात्र राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या सोचता है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर मीडिया कवरेज जिस प्रकार से हो रही है उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमान आतिश्य का। आतिश्य, स्वागत है आपका दमिश्क के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच आतिश्य। सबसे पहले तो हम आपकी पहली प्रतिक्रिया ये जानना चाहेंगे कि आपको, जैसा कि जानते हैं कि न्यूज़ में आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं एक फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो इस फीस वृद्धि के आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? सी, शुरुआत से प्रोटेस्ट तो हमेशा रहा है गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में, बिकॉज एक गैप हमेशा रहा है। बट अभी देखा जाए कि JNU में कैसे सर फीस बढ़ा दिया, 100 से 300 रुपये कर दिए, और अशोका यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं लाखों रुपये दे रहा हूँ, तो एक काफ़ी विचित्र सा ये सवाल उठा है कि JNU प्रोटेस्ट में कैसे फीस बढ़ गई है 100 से 300 रुपये। तो मेरे हिसाब से सर, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, जो अगर हम समझे कि रीज़न क्या है उसके पीछे का, सर गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है। सर JNU की लाइब्रेरी बहुत टाइम से बंद पड़ी हुई है। सर फंड्स में अगर वो फी हाइक कर भी देते हैं, सर मुझे लगता नहीं सर इतने प्रोटेस्ट के लिए इतनी ज़रूरत है इस प्रोटेस्ट के लिए। और इतना जो क्योस मच चुका है अड्डा जी के अंदर, न्यूज़ जिस तरह से कवर कर रही है, बाकी के सर इश्यूज़ जो मेन इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, करप्शन, वुमेन सेफ्टी, इंडियाज़ फॉरन पॉलिसी, सर ये कहीं पीछे पीछे रह गए हैं। ओके, और सब तो आप ये कह रहे हैं कि आतिश्य का ये मानना है कि जो JNU के छात्रों का जो मुद्दा है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं हमारे समाज में। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। कि महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, करप्शन का मामला है, और तमाम तरह के मामले हैं। लेकिन आतिश्य, हम आपको अभी उन मुद्दों पे भी बातचीत की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात और फिर आपसे आपको वापस लाना चाहूँगा। आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को मोटी फीस देनी पड़ती है, तो आप जहां एक और इतनी ज़्यादा फीस देकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पे आपके सामने कुछ किलोमीटर की दूरी पर देश की राजधानी दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है जहां के माना जाता है कि काफ़ी गरीब परिवार के छात्र भी पढ़ते हैं, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो यह तो आपको समझ में आता होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर गरीब बैकग्राउंड के बहुत कम छात्र, नहीं के बराबर छात्र होंगे, क्योंकि इतनी मोटी रकम क्या कोई सामान्य वर्ग परिवार के आमदनी वाले व्यक्ति सोच सकते हैं देना? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर JNU के अंदर अगर हम समझे, अगर 100 से 300 रुपये अगर फीस हो रही है, और गवर्नमेंट अगर उस पैसों की यूज़ करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए, फैसिलिटीज़ बेटर करने के लिए, और एक JNU की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाने के लिए, तो मुझे लगता नहीं उसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। तो चूँकि यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यह केंद्र सरकार के डायरेक्ट अंदर में आती है विश्वविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय की तरह यह एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं लगती आपको अतिशय कि JNU जैसे पुराने और इतने विश्व स्तर पर जो विख्यात विश्वविद्यालय की मान्यता है इसकी, उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए, ना कि उसका आर्थिक बोझ छात्रों पर डालना चाहिए जो कि गरीब बैकग्राउंड से आते हैं या किसी भी बैकग्राउंड से हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दी है सर। हमारी पूरे इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ का जो 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस जो रेट बढ़ा है, जिस तरीके से 100 यूनिवर्सिटी से लेकर लाखों यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर काफ़ी किया है। तो ये नहीं कह सकते कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे बोझ किसी और पर डाल रही है, ये तो बिल्कुल नहीं है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। और मैंने देखा है कि JNU के अंदर, आई विजिटेड JNU अभी कुछ टाइम पहले, मैंने देखा था सर कि फैसिलिटीज़ बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बिल्डिंग रिपेयर नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि सारा खर्चा जो है छात्रों की फीस बढ़ा करके लिया जाना चाहिए? सर एक तरीका तो होता है सर, और ऐसे ऐसी कोई मेजर फीस इंक्रीमेंट तो नहीं है सर, जस्ट फ्रॉम 100 to 300% नहीं, ये सिर्फ 100 से 300 रुपये, वो जो आप उनके हॉस्टल के रेंट की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा उनके एनुअल 10% फी हाइक की बात हो रही है, उसके अलावा उनको सर्विस चार्ज, यूटिलिटी चार्ज, इसके अलावा उनके जो मेस फी स्ट्रक्चर है उसमें भी काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किया गया और काफ़ी रैपिड उसमें बढ़ोतरी की गई है। खैर, हम वापस आएंगे कि एक विश्वविद्यालय जो कि प्राइवेट, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर कि आप लाखों रुपये की फीस अदा करते हैं, उसके बावजूद आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इस नज़रिए से देख रहे हैं। तो मैं ये कारण जानना चाहता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय में और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, मैं एक दूसरी बात आपसे करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे, अशोका यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे भी छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था, अभी JNU के भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो एक ही समय में दो अलग अलग विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इन दोनों आंदोलनों को आप कैसे देखते हैं?
देखिए सर, कभी कभी बहुत स्टूडेंट्स हैं सर जिनकी मेंटालिटी अगर हम देखेंगे सर, उनका एक्चुअल मोटिव इज़ नॉट टू प्रोटेस्ट बट जस्ट टू क्रिएट क्योस। और अगर एक्चुअल में जहाँ प्रोटेस्ट होगा, जहाँ पुलिस आपके पीछे आके डंडे मारेंगे सर, सब भाग जाएंगे, एवरी वन इज गोना रन। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके यूनिवर्सिटी में जो है पुलिस ने डंडे नहीं बरसाए तो वो प्रोटेस्ट करना जायज़ था? सर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप देखिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, मीडिया हमेशा ये करती है। मैं मीडिया नहीं हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपका कहने का क्या मतलब है कि जो अगर JNU जैसी यूनिवर्सिटी में सरकार डंडे बरसा रही है तो वो गलत लोग हैं? सर गलत नहीं, मेरा बस कहने का मतलब है कि जब अगर वैसा होगा तो सर आधे लोग वो उस स्टैंड पे स्टिक नहीं करेंगे। तो ये जो पुलिस ने डंडे बरसाए ये सही है या गलत है? सर वो तो गलत है सर। सर चलिए, एक बहुत रीक एक बहुत रीक बहुत धन्यवाद आतिश, कम से कम आपने एक बात तो मानी कि जो पुलिस ने डंडे बरसाए और छात्रों पे जो लाठीचार्ज किया वो गलत है। बाकी आपके और हमारे और बाकी लोगों के मतभेद अपनी जगह पर हैं, उन तमाम बातों को हम यहीं सर देयर इज विराम देते इनफ। हैं, इस पे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। आतिश, हमारे पास समय की कमी है, इस वजह से हम आज के बात को यहीं सर मैं रोकते कुछ हैं छोटी सी और बात आगे आने करूँ? वाले समय में यह चर्चा लगातार जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ द मेस के इस यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।